हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक, फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती है और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ करियर। दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ व्हाट इज एपीआई, एपीआई स्पेक Q1 Q2 क्या होते हैं, एपीआई प्रिंसिपल्स क्या हैं और कितने प्रिंसिपल्स पे एपीआई स्टैंडर्ड डिज़ाइन किया गया है, एपीआई ग्रेविटी क्या होती है। दोस्तों, अगर आपको एपीआई की ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल कर सकते हैं। सो लेट कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। फर्स्ट लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज एपीआई। एपीआई स्टैंड ऑन अमेरिकन पेट्रोलिंग इंस्टीट्यूट। एपीआई इज द सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स एक्रीडेटेड बाय द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI। दिस स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज इन द ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज टू मीट ग्लोबल मार्केट डिमांड्स एंड टू ऑपरेट इन ए मोस्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट। In today's most competitive market, organization must prove that they can consistently meet or exceed customer requirements and international standard through API certification. तो अगर किसी supplier को oil and gas industries में international level पर अपने business को लेके जाना है और competition को penetrate करना है, तो customer की requirement को meet करना पड़ेगा। customer की requirement को meet करने के लिए as oil and gas related industries को API का certificate लेना पड़ता है। API के certification standard में जो भी requirement है उन पर काम करना पड़ता है, ताकि वो अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को कस्टमर के आगे प्रूव कर सके और कस्टमर से ज़्यादा बिजनेस लेने में कैपेबल रहे। API इज़ द सोल ट्रेड एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन 1999 हेड क्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी एज ए स्टैंडर्ड्स सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड हैज़ डेवलप्ड मोर देन 800 स्टैंडर्ड्स टू एनहांस ऑपरेशनल एंड इन्वायरमेंटल सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। API एकमात्र स्टैंडर्ड है जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड पब्लिश करता है एज पर नेचर ऑफ द बिजनेस और यू कैन से नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। अभी तक API ने 800 से ज़्यादा स्टैंडर्ड पब्लिश किए हैं। ओवर 600 API मेंबर्स इंक्लूड कंपनीज इन्वॉल्व विद। दोस्तों, 600 से ज़्यादा मेंबर्स API में इंक्लूडेड हैं, जिनमें से ये मेंबर्स कुछ कंपनियों से लिए गए हैं, जैसे प्रोडक्शन, रिफाइनिंग, पाइपलाइन, मार्केटिंग, सर्विस फर्म। प्रोडक्शन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट रिलेटेड टू द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज। रिफाइनिंग का मतलब है ऐसी कंपनी जो क्रूड ऑयल को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लोरेशन सप्लाई फर्म एंड मरीन बिजनेस। एक्सप्लोरेशन का मतलब है ऐसी कंपनियां जो अर्थ में सरफेस को लोकेट करती हैं, पोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करती हैं कि कहां पे ऑयल एंड गैस प्रचुर मात्रा में प्राप्त है। सप्लाई फर्म जो सप्लाई देती हैं इंडस्ट्रीज़ को, जो कि आपका जैसे रेंटल फॉर्म में जो सप्लाई करती हैं, जैसे आपका ड्रिलिंग से रिलेटेड जो इक्विपमेंट हैं वो रेंट पे देती हैं, तो ऐसी कंपनियां सप्लाई फर्म में आती हैं। मरीन, तो ये 600 से ज़्यादा मेंबर इन्हीं कंपनियों से लिए गए हैं। API QMS कैटेगराइजेशन। API QMS को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, API स्पेसिफिकेशन Q1, API स्पेसिफिकेशन Q2। Q1 एंड Q2 ये दोनों QMS स्टैंडर्ड हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड ऑफ कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट एंड प्रोवाइडिंग सर्विस इन द ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन सेक्टर। जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करती हैं जो, और कंपनीज को ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चरिंग करके देती हैं, ऐसी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जो सर्टिफिकेशन इंप्लीमेंट होता है वो है Q1। Q2
Q2 आपका ऐसी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन सेक्टर में, वहाँ पर Q2 स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। API Q1 एंड Q2 गिव्स एन एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस दैट योर बिजनेस इज यूजिंग ए डॉक्यूमेंटेड सिस्टम एंड योर प्रोडक्ट फुलफिल कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज बींग कमिटेड टू अकाउंटेबिलिटी। Q1 एंड Q2 जैसे आपको मैंने बताया था, अगर किसी सप्लायर को मार्केट में अपने आप को प्रूव करना है और अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना है, तो API Q1 API Q2 नेचर ऑफ द बिजनेस आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करना है और सस्टेन करना है, ओके, ताकि आप जो है कॉन्फिडेंशियली किसी सप्लायर को अपने प्रोसेस को या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लेने के लिए। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन ISO 9001 एंड आर सप्लीमेंटेड बाय इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड इंटीग्रेटेड विद ISO 14001 OSAS 18001। दोस्तों API Q1 Q2 इनको इंटीग्रेट किया गया है या इनका जो बेस माना गया है वो ISO 9001 को माना गया है। इसमें हम सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी बात करते हैं, तो ये यहाँ पे जो रेफरेंस लिया गया है ISO 14001 इन्वायरमेंट के लिए लिया गया है और सेफ्टी के लिए रेफरेंस लिया गया है OSAS ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज 18001 जो कि अब ISO 45001 कन्वर्ट हो गया है। तो दोस्तों अभी जो API का जो स्टैंडर्ड है Q1 ये भी अंडर रिवीजन चल रहा है, अभी कुछ महीनों बाद ये भी आपका जो है नेक्स्ट स्टैंडर्ड इसका आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बाकी जो स्टैंडर्ड हैं ISO 9001 ISO 14001 OSAS 18001 ये सभी स्टैंडर्ड हाई लेवल स्ट्रक्चर बन चुके हैं, तो Q1 का और Q2 का स्टैंडर्ड भी अंडर रिवीजन है, ये भी हाई लेवल स्ट्रक्चर में काउंट होने वाला है। अब आपको समझाते हैं API ग्रेविटी क्या होती है। API ग्रेविटी इज यूज टू मेजर वेट ऑफ पेट्रोलियम लिक्विड इन कंपैरिजन ऑफ वाटर। तो API ग्रेविटी में आपको वेट को मेजर करना है पेट्रोलियम लिक्विड का। तो API का जो ओरिजिनली नेम कहाँ से आया, ग्रेविटी ऑफ द ऑयल, ऑयल की ग्रेविटी को मेजर करने के लिए API ने कुछ रिसर्च किया, उनमें कुछ जो वेरिएशंस निकले थे उन वेरिएशंस को मिनिमाइज़ किया, उन वेरिएशंस को कंप्रोमाइज़ किया, तो उसके लिए अलग से जो ग्रेविटी मेथड दिया गया उसे मेथड को बोला गया API ग्रेविटी मेथड। इफ़ ए लिक्विड हैज़ API ग्रेविटी मोर देन 10 इट इज़ कंसिडर ए लाइट ऑयल दैट फ्लोट ऑन वाटर। इफ़ द लिक्विड API ग्रेविटी इज़ लेस देन 10 इट विल सिंक एंड फॉल्स इनटू द हैवी ऑयल कैटेगरी। 10 से ज़्यादा है तो वो ऑयल हैवी ऑयल कैटेगरी में काउंट होगा। इनिशियली द ग्रेविटी ऑफ लिक्विड वाज मेजर्ड एट बोमा स्केल, इट वाज डेवलप्ड इन फ्रांस इन 1768 एंड ऑफिशियली एक्सेप्टेड बाय द US नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स इन 1916। आफ्टर एनकाउंटरिंग ए सीरीज ऑफ एरर्स एंड वेरिएशंस द अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट refined the scale and created API gravity. This is now widely used across the oil की जो gravity है बोमी scale पर measure होती थी, इस बोमी scale पर gravity की accuracy ना होने की वजह से US National Bureau of Standard ने 1916 में एक scale को refine किया और API gravity का नाम दिया। Core element of API energy excellence, जैसे आपको मैंने बताया API के 13 प्रिंसिपल हैं, उन प्रिंसिपल को हम वन बाय वन समझेंगे। फर्स्ट वन, लीडरशिप कमिटमेंट टू ऑपरेशनल इंटीग्रिटी। इसका क्या मतलब है, मैनेजमेंट बिल्ड्स ए कल्चर ऑफ ऑपरेशनल इंटीग्रिटी एंड कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशंस बाय डॉक्यूमेंटिंग पॉलिसीज गोल्स एंड कमिटमेंट एज वेल एज आइडेंटिफाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सनल एट ऑल लेवल। दोस्तों अगर आपको किसी भी स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करना है या इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको सबसे पहले लीडर्स को हायर करना पड़ेगा। लीडरशिप का मतलब यहाँ पे यह है, लीडर्स हम जो कंपनी में होते हैं वो गोल को तैयार करते हैं, कंपनी के जो गोल्स होते हैं, डिपार्टमेंट के जो गोल होते हैं, पॉलिसीज क्या क्या एप्लीकेबल रहेंगी उसके लिए, ये सारा जो मैनेजमेंट का जो वर्क है ये लीडरशिप के अंडर में आता है। तो कंपनी एक ऐसा कल्चर बिल्डअप करती है वहाँ पर सभी पॉलिसीज प्रिपेयर होंगी और डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए गोल तैयार किए जाते हैं, ये पॉलिसीज एंड गोल लीडर्स के थ्रू तैयार किए जाते हैं।
सेकंड वन सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट असेसमेंट एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश टारगेट फॉर इट्स परफॉर्मेंस इवेल्युएशन पीरियडिकली एंड टेक एक्शन टू एड्रेस नॉन कन्फर्मेंसेस एंड कंटिन्यूअसली इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ड्राइव ऑपरेशनल इंटीग्रिटी। दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट वाइज टारगेट सेट करने पड़ेंगे ताकि डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सके टॉप मैनेजमेंट। अगर डिपार्टमेंट का टारगेट या KPI या आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होंगे तो आप डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं कर सकते और उसे जो है रिवाइज भी नहीं कर सकते हो। तो हमें सबसे पहले ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट में KPI टारगेट सेट हो और टारगेट के अगेंस्ट में क्या स्टेटस चल रहा है उसका परफॉर्मेंस आपको रिव्यू करना है। थर्ड वन प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइज हजार्स असेस रिस्क एंड डिटरमाइन एंड इम्प्लीमेंट मिटिगेशन मेजर्स एंड कम्युनिकेट रिक्वायर्ड एक्शंस टू अफेक्टेड पर्सनल। प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है यहाँ पर भी हमको एक क्रॉस फंक्शनल टीम तैयार करनी पड़ेगी जो कि ऑर्गेनाइजेशन में एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रिस्क एप्लीकेबल हैं उस रिस्क को या अपॉर्चुनिटीज़ को हमें आइडेंटिफाई करना है और उन्हें मिटिगेट करने के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं ये हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन असेट डिज़ाइन इंटीग्रिटी। द ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द इंटीग्रिटी ऑफ इट्स असेट सो दे आर फिट फॉर पर्पस एंड परफॉर्म देयर इंटेंडेड फंक्शंस थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। इसका मतलब है दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट हैं मशीन्स हैं उनका हमको रख रखाव अच्छी तरीके से करना है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है एंड डेली मेंटेनेंस करना है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करना है। अगर आप उनका ठीक तरीके से मेंटेन करोगे डेली बेसिस पे तो आप लंबे समय तक उनका फ़ायदा उठा पाओगे। फिफ्थ वन ऑपरेशनल कंट्रोल। द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप एंड इम्प्लीमेंट कंट्रोल इंक्लूडिंग प्रोसीजर्स प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग टू मेंटेन ऑपरेशनल इंटीग्रिटी। ऑपरेशन कंट्रोल का मतलब है दोस्तों आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग करते समय प्रोसेस को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे जैसे प्रोसीजर्स SOP और उनके बिहाफ पे आपको ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग भी देना है ताकि उनको पता लगे कि प्रोसेस को मैं यानी मैन्युफैक्चरिंग में काम करते समय किन किन गाइडलाइंसों का हमको फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एंड SOP। सिक्स्थ वन सेफ वर्क मैनेजमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश नेक्स्ट प्रिंसिपल सिक्स्थ वन सेफ वर्क मैनेजमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश डॉक्यूमेंट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोसेस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ वर्क एंड मिनिमाइज पोटेंशियल रिस्क टू पीपल द एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर्टी। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करते समय आपको किसी चीज़ का कोई रिस्क ना हो, कोई आपको कोई परेशानी ना हो, आपका जैसे मशीन ब्रेकडाउन टूल ब्रेकडाउन या कोई एक्सीडेंट, तो इसके लिए आपको सेफ्टी गाइडलाइंस की SOP या वर्क इंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा और कंट्रोल कॉपी को डिस्प्ले करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन पे ताकि ऑपरेटर उन गाइडलाइंसों के अकॉर्डिंग काम करे और सेफ्टी को अपने माइंड में रखे। सेवन्थ वन मैनेजमेंट ऑफ चेंज। द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट ए प्रोसेस टू मैनेज चेंज दैट कैन अफेक्ट ऑपरेशनल इंटीग्रिटी। चेंजेस कैन इंक्लूड चेंज इन प्रोसेस इक्विपमेंट एंड पर्सनल। चेंज मैनेजमेंट का मतलब है दोस्तों अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में कोई चेंजेस आता है मैन मशीन मटेरियल मेथड से रिलेटेड जो कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को या प्रोसेस को अल्टर कर देता है उसके लिए भी उसे मिनिमाइज करना मिटिगेट करना उस चेंजेस के टाइम पे हमें आपको क्या एडिशनल प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं उसका भी आपको SOP बनाना है प्रोसीजर्स बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट एट्थ वन नॉलेज स्किल एंड ट्रेनिंग। द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट ए प्रोसेस टू डिफाइन रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स एंड एग्जीक्यूट ट्रेनिंग सच दैट इंडिविजुअल्स हु मेक ऑपरेशनल इंटीग्रिटी डिसीजंस कैन परफॉर्म देयर असाइंड रोल्स एंड टास्क। दोस्तों हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट वाइज सभी लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना पड़ेगा
और उनको अपने प्रोसेस की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग और वर्किंग टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसकी स्किल को लेवल अप करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कंपनियों में स्किल मैट्रिक्स तैयार की जाती है और एम्प्लॉयज़ की कॉम्पिटेंसी तैयार की जाती है। अगर कोई ऑपरेटर का स्किल लेवल कम है या किसी स्टाफ का कॉम्पिटेंसी लेवल थोड़ा डाउन है तो उसे आपको इम्प्रूव कराना पड़ेगा ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के। नेक्स्ट वन प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट एंड इम्प्लीमेंट्स प्रोसेस टू प्लान कोऑर्डिनेट एंड एग्जीक्यूट वर्क विद कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स इन अधेरेंस विद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम टारगेट्स। कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट मीन्स सप्लायर के जो एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कस्टमर हुआ एंड आपके ये सप्लायर मैन्युफैक्चरर के जो सब सप्लायर्स होते हैं, सर्टिफिकेशन बॉडीज़ होती हैं, कैलिब्रेशन एजेंसीज होती हैं, उनके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसे, उनसे कॉन्ट्रैक्टेड वर्क कैसे कराना है, उनका एसओपी आपको डिफाइन करना है, उसी उनकी रिक्वायरमेंट को आपको और एक्सपेक्टेशन को लिस्ट डाउन करना है। तो ये उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एसोसिएटेड हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, उनके साथ उसी तरीके से बिजनेस को डील करना है। टेंथ वन, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन इवेल्युएशन एंड लेसन्स लर्न। द ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिगेट इंटीग्रिटी इंसिडेंट्स टू आइडेंटिफाई कॉजेज एंड इम्प्लीमेंट्स एक्शन टू मिटिगेट फ्यूचर इंसिडेंट। दोस्तों आपको ये भी इन्वेस्टिगेट करना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो चुकी है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, वो एक्सीडेंट क्यों हुआ, उसको आप वाई एनालिसिस करके उसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करो और उसे मिटिगेट करने के लिए करेक्टिव एक्शन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और इन फ्यूचर वो एक्सीडेंट दोबारा रीअकर ना हो उसके लिए आपको एक सिस्टम इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये टेंथ प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ऑर्गेनाइजेशन। एलेवंथ, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स। द ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर फॉर एंड रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसी सिचुएशन यूजिंग प्रिपेयरनेस प्लान्स एंड प्रोसीजर्स दैट आर एक्सेसिबल एंड कम्युनिकेटेड टू रिलीवेंट पर्सनल। कॉन्ट्रैक्टर्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स एंड कम्युनिटी मेम्बर्स। इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स ये जो प्रिंसिपल है ISO 14001 इन्वायरमेंट से एंड OSAS 18001 स्टैंडर्ड से लिया गया है सेफ्टी से रिलेटेड। इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को इमरजेंसी प्रिपेयरनेस का प्रोसीजर SOP तैयार करना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इमरजेंसी कोई घटना घट जाती है तो उसको इमीडिएटली क्या रिस्पॉन्ड लेना है, जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर होता है तो आपको फर्स्ट एड करना पड़ेगा, फर्स्ट एड के बाद तुरंत आपको जो है हॉस्पिटलाइज उसे करना पड़ेगा। अगर आपके कंपनी में आग लग जाती है तो इमरजेंसी आपने क्या प्रिपेयर किया हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर, और उनको ऑपरेट करने के लिए SOP आपने प्रिपेयर करके डिस्प्ले भी करना है। नेक्स्ट वन, ट्वेल्थ, इंटीग्रिटी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स प्रोसेस फॉर द आइडेंटिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग ऑपरेशनल इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब यह है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन मैट्रिक्स होना चाहिए, डेटा ड्रिवन मेथड होना चाहिए, ताकि आप लोअर स्टाफ टू टॉप मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट टू ग्राउंड स्टाफ तक आपकी कम्युनिकेशन रिलेटेड टू एनी सेफ्टी, रिलेटेड टू एनी कंपनी गोल्स, एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू कैन फ्लो ईजिली। इसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन फॉर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। 13.1, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप एंड इम्प्लीमेंट्स ए प्रोसेस टू कम्युनिकेट इट्स कमिटमेंट टू ऑपरेशनल इंटीग्रिटी थ्रू एंगेजमेंट विद एम्प्लॉयज, रेगुलेटर्स, कम्युनिटी मेंबर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स के साथ आपको रिलेशनशिप कैसे बना के रखना है, तो आपको कोर वैल्यूज़ को जो है फॉलो करना पड़ेगा, जो सप्लायर्स के साथ में, कस्टमर के साथ में आपको रिस्पेक्ट उसका उनका करना है, एक्सपेक्टेशन को, उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना है और टाइम टू टाइम उनको मीट भी करना है। तो ये रिक्वायरमेंट आपकी रेगुलेटरी बोले तो गवर्नमेंट रिलेटेड भी हो सकती हैं, हमारे स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट भी हो सकती हैं और कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी हो सकती हैं। तो इन सभी रिक्वायरमेंट को हमें अधेरेंस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रिलेटेड टू बिजनेस। तो फ्रेंड्स, दीज आर 13 प्रिंसिपल्स ऑन दैट बेस API स्टैंडर्ड डिजाइंड।